सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पाल वर्ल्ड। और भाई पाल वर्ल्ड में आज हम जो प्रोसेस करने वाले हैं ना उसको बोलते हैं ब्रीडिंग। ब्रीडिंग प्रोसेस में आपको बता दूं कि भाई आपके पास एक ब्रीडिंग रेंच होता है। ब्रीडिंग रेंच में आप दो पोकेमोन छोड़ते हो। दो पोकेमोन को ब्रीडिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीज़न, एंड उनको चाहिए होता है केक। केक क्यों चाहिए इसका मुझे नहीं पता है, क्या कॉन्सेप्ट बनाया है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। भाई केक की क्या फैंटेसी है, कर लो ना वैसे ही, पर भाई जो भी है हमें केक के लिए थोड़ी सी सामग्री चाहिए, जिसमें हमें चाहिए आटा। आटा हम ले लेंगे इस मील मशीन से और इसके लिए हम लगा देंगे भाई लाइक इसको हम बनने के लिए लगा देंगे। और आपके पास जो भी पानी वाला पोकेमोन होगा ना वो उस पर पानी मार के कर देगा, या तो आप अपना पोकेमोन ले लो या फिर आपके बेस पे जो पोकेमोन होगा जैसे हाथी छोड़ा हुआ मैंने, ये पानी डाल के इसको कर देंगे कंप्लीट। तो फ्लोर अपने आप कंप्लीट हो जाए, लाइक आटा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। हमें चाहिए मिल्क। भाई मिल्क के लिए मैंने पूरे बेस पर ना एक भी पोकेमोन ऐसा नहीं छोड़ा जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। भाई उसके लिए मैं दो तीन पोकेमोन हटा के जैसे कि ये आग वाला फॉक्स पार्क हटा देता हूँ, चिकपी भी हटा सकते हैं हम लोग। चिकपी से अंडे मिलते हैं, अंडे मेरे पास बहुत सारे हैं ऑलरेडी। तो भाई हमें लगानी है भैंसें या काऊ, आप बोल सकते हो गाय या भैंस जो भी हो सकता है आप लगा सकते हो। भाई मेरे पास दो दो हैं तो मैं दोनों लगा देता हूँ ताकि मेरे को जल्दी थोड़ा सा मिल्क मिल जाए। यहाँ से एक और चिकपी हटाएं, नहीं कटिवा नहीं। भाई मैंने विक्सी हटा दिया, विक्सी मैंने बस इसी काम के लिए हटाया क्योंकि मिल चाहिए, अदरवाइज विक्सी बहुत ज़रूरी है आपके बेस पे। विक्सी एक ऐसा पोकेमोन है भाई जो एक चिकपी अंडे देता है, विक्सी जो है भाई वो पाल सफायर देता है। आप देख रहे हो रेंच में पड़े हुए पाल सफायर, तो विक्सी से पाल सफायर निकलते हैं और जो आप धनुष लेकर घूम रहे हो उसकी तीरें भी निकलती हैं। पता नहीं कैसे तीरें कैसे दे सकता है, कोई समझ नहीं आता, चुभती होंगी, लेकिन पाल सफायर देता है वो, ठीक है। तो वैसे अभी फिलहाल हम लोग अपना पोकेमोन थोड़ा सा और चेंज करेंगे, और अभी हमें चाहिए वो दो पोकेमोन जिनको हम आपस में ब्रीड कराने वाले हैं। भाई मैं इसके लिए लेने वाला हूँ सुपर पोकेमोन्स जो कि हमारे बोस पोकेमोन्स हैं। ग्रिंटेल मैंने ले ली है। भाई ग्रिंटेल के साथ मैं सोच रहा हूँ कि मैं चिलियट ले लेता हूँ। तो ग्रिंटेल ये रही, ग्रिंटेल को छोड़ कर आते हैं रेंच के अंदर। ये है हमारी ब्रीडिंग रेंच। भाई ग्रिंटेल मैंने छोड़ दिया, आप देख सकते हो बहुत बड़ी पोकेमोन है। लेकिन भाई अभी हमारा जो सेकेंड पोकेमोन है चिलियट, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। अंडा उठाते हैं सर, चिलियट ये रहा, नीला सांप, इसको भी छोड़ कर आते हैं। तो भाई दोनों पोकेमोन हमारे रेडी हैं बिल्कुल ब्रीडिंग करने के लिए। नहीं 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 यार, एक और इशू है भाई, ये दोनों मेल पोकेमोन है भाई और LGBTQ यहाँ नहीं चलता है, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा प्रकृति के हिसाब से। तो प्रकृति के हिसाब से बनता है एक मेल और एक फीमेल। तो मैं ढूंढ रहा हूँ अपना मेन पोकेमोन जो कि भाई ये भी मेल है यार, भाई ये भी मेल है, ये भी मेल है। भाई अभी तक जितने भी बॉस पोकेमोन है तगड़े पोकेमोन सारे मेल है मेरे पास। एक डाइनो करके है भाई, ये भी मेल है यार, डाइनोसॉम, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, बट ये भी तो मेल है यार, इसका भी फायदा नहीं है। ये नीचे जो है ड्रैगन चिलियट तो मेल है ही, ये ड्रैगन फीमेल है भाई। भाई इन दोनों पोकेमोन्स को हम लोग फटाफट फटाफट जोड़ देते हैं आपस में, जोड़ देते हैं इन द सेंस रेडी कर देते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो एक मेल एक फीमेल आ गया है भाई, नीचे देख लो ब्रीडिंग हो गई है, स्टार्ट ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। उसके नीचे लिखा है लव ब्लूमिंग बिटवीन द पाल्स, ठीक है। तो ब्लूमिंग का मतलब आपको पता है कि उतना ओपनली नहीं है, बट हाँ ब्लूमिंग हो रहा है इनका। तो भाई ये इनका बॉक्स जिसके अंदर मुझे केक रखना है। केक मेरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है, वो बहुत टाइम टेकिंग था तो मैं आपको दिखा के बोर नहीं करूँगा। केक रेडी है, केक इनको मैंने दे दिया। भाई अब ये ब्रीडिंग करेंगे और इसमें लगेगा टाइम। तो भाई टाइम के लिए हम थोड़ा सा इसको देते हैं टाइम। भाई ये कर क्यों नहीं रहे, लाइट वाइट बंद करनी पड़ेगी मुझे। नहीं भाई आई थिंक ये घूमना ही इनका करना है, कोई नहीं शक्तियाँ हैं इनके पास, ये कर सकते हैं कुछ भी। हमें क्या, हमें तो बस उस अंडे से मतलब है जो इनकी ब्रीडिंग के बाद आएगा, और उसमें से निकलेगा क्या वो है हमारा मेन टॉपिक। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोग तो बना सकते हो इसमें, जिसमें से मेन हमारा रहेगा केक, क्योंकि केक से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। भाई इस रेंज में देख लो अंडे अंडे हो गए। हम भाई केक हम और नहीं बना सकते, उसके लिए हनी चाहिए, और हनी वाला एक भी पोकेमोन हमारे पास नहीं है। इनकी ब्रीडिंग अभी चालू है। हाँ भाई एक दूसरे के भीतर से निकल तो रहे हैं आर पार। तो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, और तीनों एक दूसरे के भीतर, वही चल रहा है। तो रेंच यहाँ पर है, रेंच में चल रहा है ब्रीडिंग। भाई ये तो बहुत कम है यार, कितना टाइम लगेगा इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। मुझे यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा क्या, खड़ा रहूँगा तो ये शायद फील करेंगे फिर होगा ही नहीं कुछ। केक है अभी इसमें तो मतलब केक भी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं कि मल्टीपल केक्स लगेंगे, एक केक में हो जाएगा यार। भाई फिलहाल हो गई है रात, और रात तक इनकी जो ब्रीडिंग है ख़त्म हो गई थी। मेरे को बुलाने आए कि भाई हमारा जो सोना था वो हो गया, अपना अंडा उठा लो इधर से, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो भाई इन्होंने दिया है एक बड़ा लार्ज ड्रैगन एग। अब देखो ड्रैगन फीमेल थी तो ड्रैगन एग मिला है हमें, और ग्रीन टेल के भी उसमें कुछ गुण हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। भाई यहाँ पे मुझे मिला है 56 एग्स।
56 एग्स तो अभी फिलहाल रखते हैं, दवाई का यूज़ करने का सोचा मैंने, दवाई यूज़ नहीं हो रही, खाना खा लेता थोड़ा सा, थोड़ा थका थका सा फील कर रहे हैं। हाँ अब ठीक है भाई, अब बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर अब चलते हैं अंडे को ब्रीड कराने के लिए, मतलब इंक्यूबेट कराने के लिए, मतलब थोड़ा सा होता है ना गर्म जगह पे रखेंगे तो ये जल्दी से अंडे से पोकेमोन बन जाएगा। भाई यहाँ पर भी मैंने एक रेंच बना दिया था छत पे, यहाँ पर भी पोकेमोन्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर जाते हैं, तो इट्स वेरी इंप्रेसिव। तो भाई फिलहाल के लिए हम आ गए हैं एग इनक्यूबेटर पे और यहाँ पर लगाएंगे हम अपना लार्ज एग। लार्ज एग को बनने में लगेंगे एक घंटा, क्योंकि ये थोड़ा सा कोल्ड फील कर, एक आग जलाई तो इसको अभी भी थोड़ी सी ठंडी लग रही है। हाँ भाई अब इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, तो 29 मिनट्स लगेंगे इसको पूरा। वन इटर्निटी लेटर हम लोग वापस आ गए हैं, हमारा जो एग है पूरी तरह से ठीक हो गया होगा, तो उससे पहले हमने एग उठा लिया यहाँ से जितने भी हमारे रेंच में पड़े हुए थे, इसको लगाते हैं साइड में ठिकाने ताकि हमारा वेट थोड़ा सा कम हो जाए। भाई ये है हमारा एग और भाई इसमें से मिला है एल्फिड्रेन। एल्फिड्रेन एक ड्रैगन टाइप का ही पोकेमोन है, पता नहीं ये क्या करता है क्या नहीं, नीचे जाके चेक करना पड़ेगा बेस पे इसको असाइन करके कि भाई कुछ तो उसमें अच्छा होगा जब दो पोकेमोन ने ब्रीड करके बनाया, बहुत ही अलग पोकेमोन है, मैंने इससे पहले नहीं देखा था इसको। तो ये सबसे ऊपर ही हमारा एल्फिड्रेन सेकंड नंबर पे दिखा रहा है, सेकंड नंबर पे है हमारा एल्फिड्रेन। भाई इसको लग कर देते हैं बेस पर असाइन। भाई ये कोई छोटा मोटा पोकेमोन नहीं है, साइज़ में ये इट्स वेरी गुड, साइज़ वाइज इट्स वेरी गुड। और भाई इसके पीछे पर लगे हैं, मीन्स ये उड़ सकता है, अगर इसकी मैं सेटल बना लूँ तो शायद मैं इसके ऊपर बैठ के उड़ पाऊँगा, तो इट्स वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भाई नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे पोकेमोन्स को ब्रीड कराएंगे, एंड उससे पहले मैं केक बना के रख लूँगा, वो बहुत टाइम टेकिंग है यार। चलिए मेरे घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको राम राम। ये फिलहाल भाई लकड़ी तोड़ने का काम बहुत अच्छा करता है।